तफक्कुर फिक्र से है, तफक्कुर बाका सियासी तफक्कुर। और आज के हमारे जो मुखरिर हैं वो आपके जाने वाले जाने मुखरिर, और उन्होंने शायद अब तक जो हमारे खिताबात किए हैं उनमें सुबह अवलीन जो आते हैं उनके नाम उनमें से तस्वीर आगाजी से पाकिस्तान घर से पहले वो चिंताई नहीं दिया के सोफे में महाफिर को खातिब कर चुके हैं। उनकी ज्यादा उनके तारीफ की इस वजह से जरूरत नहीं है कि वो कई मरतबा आपको हमको यहाँ पर बहुत ही अहम मनमाना से मुखातिब कर चुके हैं। इसका भी जिक्र कर देना मुनासिब समझूंगा मैं कि ये जो नशिस्त है कदीम तरीन नशिस्तों में से सिर्फ आज ही शरीयत की परमिशन शुरू हुई और फिर तारीख इस्लाम की शुरू। आप देखिए आपके हाथ में अगर पर्चा है तहसील भाई, हाँ, उसमें देखिए शरीयत की परमिशन सर्विस 812 और तारीख इस्लाम की 915 नशिस्तें हुई, यानी 450 महफिल जो है एक साल में होते 10 साल में होते 450। तो इस तरीके से आप देख लें कि 812 एक है शरीयत इंफॉर्मेशन में और तारीख साल में 912 है। अलबत्त महफिल अहबाज शनासी सबसे कदीम महफिल है, इसमें 1,33,000 आज मुनाकिद हो रहा है, 1,33,000 लेक्चर मुनाकिद हो रहा है। बहरहाल मुझे आज के मुखरिर साहब के ज्यादा तारुफ की इस वजह से जरूरत नहीं है कि आपने इससे पहले उनको कई बार सुना है और जिस तरीके से वो उनवान से इंसाफ करते हैं उसके जिक्र की जरूरत नहीं है। यानी मैं समझता हूँ आप इसके कुछ ही दिनों में वो शायद माहिर वाली आप भी कह रहे हैं आप हमारी दुआएं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो शहर नशीन पर तशरीफ लाएं और हमें अखबार का सियासी तफक्कुर जो आज के पस मंजर में बहुत ही जरूरी है कि आप उससे बात करो, शहर नशीन पर तशरीफ लाएं और हमें रहमान रहीम गुलाम यजदानी साहब सीनियर एडवोकेट कन्वीनर महाफिर, मोहतरम जैनुल आबिदीन साहब और बुजुर्ग दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी माशाल्लाह 1,000 से ज्यादा नशिस्तें हुई हैं और इसमें बाज़ लोग अल्लाह को प्यारे भी हो गए, जिसमें बहुत सारे नाम हैं हमारे इवन जो खालिद तरीन शख्स थे जैसे कि मुस्लिहुद्दीन सादी साहब, अभी जियाउद्दीन अहमद शकीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी सानिहा हुआ, वरना इस हाल में कई तकारीर उनकी हुई हैं और एक मुनफरिद अंदाज था जब वो लंदन से आने की इतला मिलती थी, यहाँ लोग बैठे हम जाते खुद हमारे कन्वीनर साहब की किताब के बारे में जो उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उससे उनकी जो दोस्ती थी उसको पूछता अगर ये 1,000 महाफिल में देखा जाए तो बड़ा हक उन्होंने भी अदा किया, अल्लाह उनको और मुस्तर मजाज मुस्लिम सादी मुस्तर मजाज ऐसे शायर जो मुनफरिद हैदराबाद में मैं समझता हूँ शायर से नादिर कोई शायर होगा जो उस मियार का था, और फिर इतनी सादगी आप देखते थे कि यहाँ बैठ के जो है बस
एक दरिया है कि बह रहा है। बहरहाल इन लोगों की याद आती है, अल्लाह इन सब की मगफिरत फरमाए और आला इलीन में उनको मुकाम अता फरमाए और हमको भी ये तौफीक दे कि जाने वाले तो गए लेकिन जो पयाम हमको देकर गए हैं उस पयाम को आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाना हमारा काम है। आप देखिए दो दिन पहले के अखबारात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जो बहुत ही गैरमामूली उनका मुकाम है, उन्होंने भी यही कहा कि अब आज के जमाने में जो करने का हल है वो क्या है, दावत इल्लाह, दावत इल्लाह। गालिबन मैं समझता हूं मैं तीन चार हफ्तों पहले जो नशिस्त हुई उसमें मैंने इसी बात का जिक्र किया कि जो है हमारा जो मसाइल है उन मसले में जाहिर तो बहुत मुश्किल बात होता है, अरे उल्टा जो है और छेड़खानी करे जैसा हो रहा, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ऐसे हालात बनाना बेहतर है कि थोड़ा सा इरादा कर ले। तो उसमें आपके आज का जो उनवान है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने बात गुज़्ता हवाले से की कि इकबाल का सियासी तफक्कुर। इकबाल वैसे शायर सभी जानते हैं, पसंद करते हैं, उर्दूदा हजरात भी, फिर फारसी जानने वाले फारसीदा हजरात भी इकबाल के आशिक हैं, उनके कलाम के उनके। लेकिन इकबाल ने बाज़ाब्ता कोई सियासत के बारे में किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका उसका मतलब ये नहीं था कि वो मुसलमानों के मसाइल जो हैं उस सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में उनको क्या रोल अदा करना चाहिए। अब वो हम बहुत सारे लोगों की राय ये है कि अगर तफसीम मुल्क नहीं होता तो जो है हम तदाद में ज्यादा रहते और जो है हम ज्यादा जो है आगे कामयाबी से अमकिनार। ये भी मुमकिन नहीं था कि तफसीम होने के बाद जो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान चले जाए वो सब के सब पाकिस्तान जा भी नहीं सकते थे। और ये भी मुमकिन नहीं था सारे के सारे हिंदू जो वहां रहते हैं पाकिस्तान में वही हिंदुस्तान आ जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, क्वेश्चन मार्क था कि आखिर ये उन लोगों ने जो तकसीम को तस्लीम कर लिया कैसी गलती की इन रहनुमाओं ने। अबुल कलाम आजाद आखिर वक्त तक और आपकी इतला के लिए उन्होंने 1922 ईस्वी में पहले सदर कांग्रेस के हिस्से से मुंतखब हुए और कांग्रेस पार्टी जो कायम की गई लॉर्ड होम मिसिज एनी बीसेंट ने 1886 में जो है कायम की और इब्तदान वो जो एक सियासी तंजीम नहीं थी बल्कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। और ये मौका भी मिला कि 1942 और 44 ये दो टर्म भी सदारत कांग्रेस की किसको थी, अब्दुल कलाम आजाद की। मगर 46 के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, लिया नहीं सर। अगर उनकी सदारत रहती तो शायद अभी इनका मुमकिन है कि कांग्रेस ने जो फैसला कबूल किया वो शायद न करती, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि मैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की शेरवानी के जेब में रहता हूं, मतलब है कि मैं उतना क्लोज हूं उनसे कि बगैर उनकी पसंद के बगैर उनकी इत्तेफाक से हम जो है इस मुल्क को तकसीम नहीं करेंगे। आखिर वक्त तक अड़े रहे अबुल कलाम आजाद, सब तकरीरें जानते हैं, सब बहुत सारे आप लोग सीनियर लोग हैं कि बड़ी कोशिश की मगर आखिर में हुआ ये कि पंडित जी और वल्लभ भाई पटेल के इसरार पर गांधी जी ने उसको तस्लीम कर लिया और अब्दुल कलाम आजाद की जो ख्वाहिश थी वो पूरी ना हो सकी। तो बरादरान अजीज अखबार पर जो बात लोग ये समझते हैं कि जैसा हमने कई मरतबा आपको यहां बताया कि जब तस्लीम हिंद के बाद अखबार का नाम लेना एक जुर्म समझा जाता था, तो लिहाजा लोग जो अखबार के आशिक थे जो यहां टाउन हॉल में ही अखबार की तकरीरें सुने थे, अब्दुलरजाक हैदराबादी की तबाह करदा रबागी दरा की पहली किताब हैदराबाद में आई,
तो हैदराबाद से अल्लामा का बहुत गहरा ताल्लुक रहा जैसा कि आप जानते हैं। तो उन्होंने कोशिश यही की कि हम इकबाल जो है एक मुजरिम है मुल्क को तस्लीम करने के, ऐसा तासर दिया। हालांकि इकबाल की उसमें कोई कसूर नहीं था। क्यों नहीं था? ये अल्लामा इकबाल की इनका इंतकाल 1938 ईस्वी में, और पहली करारदाद जो तफसीर के ताल्लुक से पाई गई 1930 में, के 1930 में लाहौर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इकबाल ने यह नजर पेश किया कि जिस स्टेट में मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं उसको जो है मुसलमानों का तेदाद होने की वजह से उनका इलाका करा दिया जाए। जैसा आपके अमरीका का जो मौजूदा निजाम है, जितने स्टेट हैं उसी तरह की यहाँ की स्टेट जो है। तो लेकिन ये इकबाल पर गलत इल्जाम है कि उन्होंने मुल्क को तस्लीम किया। अब हमारे वो लोग जो पाकिस्तान खुशी से जाना चाहते थे गए, जो नहीं गए खुशी से यहां रहते हैं। और अभी दो दिन पहले आपने गुलाम नबी आजाद की तकरीर में सुना राज्यसभा के अंदर कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र करता हूं क्योंकि हमने इसको पसंद किया और यहां पर रहना तय किया। लेकिन आज हमारी शहरियत को जो हम पूरे अपना फैसला करते हुए हमने इख्तियार किया कि यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यही हमारा वतन है। और इकबाल ने बहुत सारी वतन पर नज़में भी लिखी। एक चूंकि बात तवील हो जा सकती थी, इसको मैंने कुछ लिखकर भी पेश करूंगा। इकबाल ने अगरचे सियासत के मौजू पर कोई मुस्तकिल किताब नहीं लिखी, इकबाल ने सियासत की कोई मुस्तकिल किताब नहीं लिखी, लेकिन इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी अक्सर तस्नीफात सियासत के बुलंद हकायक से लबरेज हैं। इसलिए उनकी शायरी को सिर्फ जमालियाती लज्जत का नुक्ते नजर नहीं पढ़ना चाहिए। अरे जमालियाती बोले तो क्या, यानी वहां शेर है इसमें जो शायराना अंदाज होता है उसको पसंद करते हुए हम दाद देते हैं। तो ये समझकर सिर्फ इकबाल की किताब हमको नहीं पढ़ना चाहिए कि इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता, इनकी अक्सर तस्नीफात सियासत के बुलंद निगाह से नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सियासी हकायक से लबरेज हैं। इसलिए इनकी शायरी को सिर्फ जमालियाती लज्जत के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। इकबाल एक ऐसे जमाने में पैदा हुए जब मशरिक व मगरिब में जिंदगी और इसके मुख्तलिफ शोबों में अजीब व गरीब इनकलाब नमूदार हो रहा था, यानी 20वीं सदी के आगाज में 1901 से लेकर बाद में खुद हैदराबाद में उस वक्त जो है 1901 में महबूबुल पाशा की हुकूमत थी और 15-20 साल पहले ही उर्दू को सरकारी जबान करार दिया गया था यहां पर, वरना उस वक्त तक पर्शियन जो है सरकारी जबान थी। और उनके अतालीफ जो सारार्जन थे उन्होंने किस तरह से उनकी परवरिश की वाला वो तफसीलात हैं। तो हर सिंत जवाल और बस्ती का एहसास 1900 ईस्वी के बाद से क्या थे हालात, बिल्कुल हर तरफ बस्ती का आलम था और जहनी मरूबियत हर शोबे हयात में मगरिब की तकलीद एक जरूरी फरीजा बन गई क्योंकि मरूबियत हमारी थी। इसमें सिलसिले में मैं कभी आपको सुनाया नहीं, सुनाया नहीं मालूम, एक लतीफा याद आया कि खुश्क मजामीन होते हैं इकबाल के, तो थोड़ा बहुत तब्दीली के तौर पर जायरे के तौर पर एक पूरे हिंदुस्तान की में अब आजकल हो सकता है 5,000-10,000 तो जो है आईएएस ऑफिसर्स होंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यानी जो पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के और आईएमएस फॉरेन सर्विस के ऐसे 10,000 सपोज, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप इस मुल्क में इस वक्त 10,000 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। उस जमाने में कितने थे? 1,000 थे।
1000 में 800 कैसे थे जो गोरे अंग्रेज बाहर से यहां आए थे, और 200 कौन थे मुखामी काले गोरे, यानी काले में तो हम लोग यहां के माने ना भाई, हमारा रंग काला समझा जाता है, तो हम लोग को जो है हम लोग 200 थे और बाकी 800 पूरे गोरे वहां से लाए गए। हुआ ये कि एक दिन जो है जो ब्लैक इंडियन थे उन्होंने अपने घर में उनके एक दोस्त गोरा व्हाइट पर्सेंटी आईला, तो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर के बाद अब भी आप देखे होंगे केरला में मद्रास में लोग जो है लुंग या धोती पहन के जो है घर में आते, तो उन्होंने ऐसी बनियन और धोती पहन के आए आए, तो अब वो उस काले को ये एहसास हुआ कि अरे मेरे बाप ऐसे आ गए, मैं उसके सामने गोरे के सामने अगर मैं उनका तारुफ कराऊं तो मेरी बेइज्जती होगी, अपने बाप का तारुफ कराने में बेइज्जती होगी, ये इतनी मरूबियत अंग्रेज से थी उस सवाल। तो चुनाचे उन्होंने कहा गोरे से तारुफ कराते हुए ये मेरे वालिद के दोस्त थे, तो बड़े मियां भी बड़े तेज थे, क्योंकि मैं इनके वालिद का दोस्त नहीं हूं, इनकी वालिदा का दोस्त हूं। मगरिब की तहलील एक जरूरी फरीजा बन गई, इसीलिए अखबार ने एक जगह कहा जमीर मगरिब है ताजिराना, जमीर मशरिक है राहिबाना, वहां दिगर क्यों है लहजा लहजा, यहां बदलता नहीं जमाना। राहिब रोहबानियत से यानी जो तरके दुनिया करता है, और जैसा जोगी लोग रहा करते थे उसी तरह मुसलमानों में भी बाज लोग सूफिया ऐसे आए कि तरके दुनिया क्या है, छोड़ के जाना ही है ना, इस दुनिया में लज्जत क्यों लगाई जाए, इसको कहते हैं रोहबानियत इख्तियार कर तरके दुनिया। हालांकि इस्लाम जो है क्या कहता है दुनिया को बरतो, दुनिया में रहो, ये नहीं कि इस्लाम हर किसी ये नहीं कहता कि आप जो है दुनिया तरके दुनिया करके किसी पहाड़ पे जाके तन्हाई में बैठ के, ऋषि क्या करते थे खड़े हो जाते थे एक पैर के ऊपर, एक टांग पे खड़े हुए हैं, आंखें बंद किए हुए हैं और सन्यासी की तरह खड़े हुए हैं, कब तक इवन जो है परिंदे उनके हाथ पे बैठकर अंडे देते थे पर उन्होंने हरकत नहीं करती। ऐसा दुनिया में मजहब जो है लोग पेश किए थे, जबकि इस्लाम आकर इन तमाम खुराफात को खत्म कर दिया, तमाम खुराफात को। आप बोलेंगे नहीं आपका मजहब है आप पहनावे नहीं बोल रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप इसको समझ कर पढ़ें, यकीनन हम इस्लाम को समझ कर इख्तियार करेंगे तो और लुत्फ आएगा। अल्लाह के फजल से पैदा तो हमें मुसलमान कर रहा, लेकिन रोहबानियत का मफहूम ऐसे वक्त आया है कि हमको जो है ये तरके दुनिया का शुरू, इसीलिए हम दुआ भी करते थे कहते दुनिया की अच्छाई के लिए आखिरत की अच्छाई के लिए, रब्बना रुकने यमानी से हजरे असवद तक जो दुआ करते हैं उस वक्त क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं रब्बना आतिना फी दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार। तो इस्लाम की ये बड़ी नेमत है और हम लोग बड़े बहुत ही लकी हैं एक इस्लामी घराने में पैदा हुए। लेकिन साथ साथ मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि गैर मुस्लिम आजकल हालात इतने खराब है, अखबार आपने देते ना माशाल्लाह आ रहे हैं, एवरेजली 8-10 हमारे पास, तो ये अल्लाह का करम है, इसलिए डरना खौफ ज्यादा होने की बात नहीं है, बस इस्तकामत होता है, इम्तिहान होता है अल्लाह की तरफ से, उन इम्तिहान में हम साबित कदम रहते हैं। ये तो रोबानियत की तशरीह आपसे मैं बताती, तो मुसलमान क्या हो रहे थे मरऊब हो रहे थे, जैसा कि वो आईएएस ऑफिसर साहब मरऊब होकर अपने वालिद को इस तरह से उन्होंने उनकी तौहीन की और अपने विकार के खिलाफ बात की। खैर आमतौर पर कहा जाता है कि इकबाल का सियासी नज़्मुल ऐन अक्सर बदलता रहा, इकबाल का सियासी नज़्मुल ऐन बदलता रहा, इनके अफकार में मुख्तलिफ हालात के साथ तब्दीलियां वाकई होती रही। इकबाल किसी जमाने में हिंदुस्तानियत के जज्बात से सरशार थे, हिंदुस्तानियत से मुराद क्या है यहां पर
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, या जो है तस्वीर दर्द जो नज़म है इकबाल की, दूसरी तराना हिंदी है, नया शिवाला है, ये सब हिंदुस्तानियत के मज़ाहिर थे। इकबाल की दिलचस्पी वतन से, वतन से मोहब्बत। लेकिन बाद में जो नतीजा निकाला है इकबाल ने, और हम भी उसी नतीजे के कायल हैं कि हम हिंदुस्तान को अपना महबूब वतन समझते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान को माबूद नहीं समझते, इस फर्क को समझते हैं। हम वतन को महबूब समझते हैं लेकिन इसको माबूद नहीं समझते। ये इकबाल को भी मालूम हुआ। पहले तो वो बांगी दरार ये नज़्म लिख रहे थे जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने दफ्तर नजर को बदला और बदलकर नया इंकलाब पैदा हुआ। क्या उन्होंने वतनी अकीदत से दस्तबरदार होकर बिलाद इस्लामिया, तराने मिली, खिताब व नौजवानान इस्लाम, बहुत सी मिली और कौमी नज़में उन्होंने लिखी। बाद में इकबाल के नजरिया सियासत के भी बहुत से असर हैं, इनमें से हर एक जुज के बारे में वह हम असर मगरबी मुसन्निफीन और मुफक्किरीन से किसी न किसी दर्जे में उन्होंने उनसे असर भी कबूल किया है और खुद उसका अपना नुक्ता नजर भी रहा है। जैसे कि इकबाल जो है जमहूरियत को पिछली सदी के आखिर में बेहतरीन निजाम हुकूमत समझा जाता था, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, कि उसमें इस मगरबी मुफक्किरीन भी समझते थे और खुद अल्लामा इकबाल भी समझते थे। उन्होंने बाद में तब्दीली की, किसी न किसी दर्जे में मुतासिर हुए, जमहूरियत की पिछली सदी के अवाखिर में बेहतरीन निजाम हुकूमत समझा किया जाता था क्या, जमहूरियत, डेमोक्रेसी। अरे आज भी हम देखते हैं बाज नौजवान बड़े खुशी से अब्राहम लिंकन का जिक्र करते हैं कि किसने जमहूरियत जो है उसने बताई और जमहूरी नजर पेश किया। लेकिन अगर हम जरा गौर से पढ़ें उन मगरबी मुफक्किरीन के ख्यालात को भी पढ़ें, हाँ, लेकिन तो फिर उसके बाद जब हमारा इस्लाम और कुरान से हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वही नतीजे पे पहुंचेंगे जिसमें इकबाल पहुंचे। चुनाचे इकबाल कहते हैं, फिक्र को इस सदी के अवायल में यूरोप के बाद मुफक्किरीन ने इस तर्ज हुकूमत पर शदीद हमले किए। जमहूरियत के इन एतराज करने वालों में निटशे भी है, लीबॉन है, स्पिंगलर है, मैकडोगिल है, हमें खास अहमियत रखते हैं। इकबाल ने जमहूरियत के जो मुखालिफ सिफत की उसका उसलूब और वजूद अगरचे मुख्तलिफ हैं, ताहम फलसफा यूरोप के बड़ी तकबीयत नसीब हुई है। मशरकी और इस्लामी उलूम की ताल्लुक से अल्लामा इकबाल के का रवैया नाफेदाना था, नाफेदाना यानी तनकीद करते थे। चुनाचे वो मुर्दा करने वाली अदबियात से दस्तबरदार हो जाते हैं और उनको हमारे बुजुर्गान दीन से उन्हें बहुत ही मोहब्बत थी, जिनके अफकार हयात बख्श हैं। इन सब में सबसे ज्यादा असर कबूल जो किया है इकबाल ने वो मौलाना रूम का। आप बारहा सुने हैं कि मौलाना रूम से वो जो इक्तिसाब किए कोई और उतना इक्तिसाब अल्लामा इकबाल से हटके किसी ने नहीं किया। अवलीन अहमियत उन्होंने मौलाना रूम को दी, जिनकी मसनवी एक सहीफा हिदायत है। इकबाल जावीदनामे में मौलाना रूम को इस तरह अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं जिस तरह दांते ने वर्जिल को अपना पहला अपना रहबर तस्लीम किया था। बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है कि इकबाल ने पीर रूम के फिक्र रोशन से जिस कदर रोशनी हासिल की है इतनी किसी और शमा से किसी और ने हासिल नहीं की। निश्चय की तरह इकबाल भी इस्तेला, कुव्वत और जिहाद को खुदी की तरबियत के लिए जरूरी समझते हैं। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कुरान के जो नुक्ते नजर जिहाद के बारे में इकबाल के जो ख्यालात हैं उसमें बहुत सारे बहुत
हमारे लोग शर्मिंदा हो गए, नहीं भाई हम उसकी बात नहीं करना, जिहाद की बात अलग रहती थी। लेकिन इकबाल की सियासी फिक्र में ये चीज बहुत जरूरी है। इकबाल भी अगर ना कहें तो न कहें, लेकिन हम तो कुरान से इसको इस्तेमाल करते हैं कि क्या वो शेर याद नहीं आ रहा है, तलवार भी हो क्या है वो, तो खैर याद आए तो मैं सुनाऊंगा। तो जिहाद और खुवत, खुवत के बगैर सिर्फ रूहानियत की बुनियाद पर हम कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। रूहानियत इस्लाम में मना है, अभी आप सुने, उसके बाद क्या है ताकत खुवत हसब जरूरत, जिसको मगरबी मुफक्किरीन भी तस्लीम करते थे। लेकिन इकबाल एक और पहलू उसमें ऐड ये करते हैं कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ खुवत के साथ साथ रूहानी खुवत भी चाहिए, इसको समझने के लिए इकबाल में और मुफक्किरीन मगरिब में फर्क यह पाया जाता है कि इकबाल के यहां ताकत खुदी की जो ताकत है वो अपनी जिस्मानियत से भी है, अपनी फिजिकल फिटनेस से भी है और साथ साथ रूहानियत से भी है, जो मौलाना रूम से इकबाल ने अक्स किया, इख्तिसाब किया। ऋषय कहना है कि नेकी खुवत और हिम्मत मर्दाना का नाम है, बल्कि हर इस शय का नाम है जो इंसानों में इस्तेला और कुवत के जज्बात को तरक्की दे। और वो चीज जो रूहानियत के एतबार से पैदा हो, अकबाल ने खदम खदम पर कौम को फलसफे शाहीन सिखाते हैं, शाहीन के बारे में हर जगह अकबाल जो है जोर देते हैं। क्यों? कि वो रुखाब जो है ऐसा परिंदा है कि वो जिसमें कुव्वत जिस्मानी भी है और बुलंद से बुलंद तरीन फजा में जो है उड़ने का हौसला रखता है, और एक मोमिन को में ये दोनों सिफात होनी चाहिए। तो जमहूरियत जमहूरियत पर हम खुश होते हैं, लेकिन जमहूरियत में कितने आप देख रहे हैं, जमहूरियत में मैं एक बात ये कह रहा हूं कि लीडर जो मुंतखब होता है जी मकबूल होता है, मकबूलियत रहती है इसलिए वोट उसको मिल जाती है, लेकिन काबिलियत नहीं रहती। ये जरूरी नहीं है कि हर एक में ना हो, हमारे माशाल्लाह ओवैसी साहब में ताकत भी है, बोलने का गुफ्तार भी है, और उनमें कुव्वत के वो कायल भी हैं, और साथ ही साथ ये भी है कि उन्होंने रूहानियत की भी कायल, तो ये एक्सेप्शनल बात हो सकती है। यूजुअली क्या होता है, अब जो कर्नाटक में तमाशा हुआ था या मध्य प्रदेश में होने को जा रहा था, ऐसे जो मुख्तलिफ जमहूरियत के जो नाम से जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं वो सब क्या है, पसंदीदा नहीं है जमहूरियत। क्यों? जमहूरियत के अंदर बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तोला नहीं करते। ये चीज जो है सिखाने के लिए इकबाल कहते हैं कि हमारी कौम में शाहीन पैदा होना, शाहीन ममोला और कबूतर की जिंदगी के नजदीक अरजलुल हयात है, ममोला और कबूतर की जिंदगी के नजदीक अरजलुल हयात है, जईफी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा मर के मफादात के सिवा कुछ नहीं, झपटना पलटना फिर झपटना, ये जो चीज है ना वो डर के सहम के, हमारी माँ आप तो आजकल लोहिया भी नहीं दे रहे, शायद पहले लोहिया दे देते माँ, सोजा मेरे लाल तुझे बड़ा होके जो है दुश्मन के सर काट के लाना है, ऐसे वो अरे दरवाजे मत खोलो, इतना खौफ और डर, सारी चीजों की वजह क्या है, खौफ और डर, अल्लाह की माहियत का एहसास, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, वो देख रहा है, उसकी कुव्वत हमारे साथ है, तो फिर कोई खौफ नहीं। कितने हजरत खालिद बिन वलीद कितने जख्मे नहीं आए, क्या तमन्ना थी उनकी कि शहीद हो जाऊं, लेकिन उनकी जिंदगी खात्मा एक बीमारी से ही हुआ। तो ये
इशारतन में कह रहा हूं, वरना सूरह तौबा में, आले इमरान में, अब रमजान आने वाला है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, तर्जमे के साथ आयतें पढ़िए, तो मालूम होगा उसके अंदर कितना जिहाद की तरफ इकबाल ने तवज्जो दिलाई है, हमारे उलमा दिलाते हैं, तो उसमें फिर खौफ और हुज्न व मलाल नहीं पैदा होगा। क्यों? अल्लाह की माहियत का एहसास, अल्लाह मेरे साथ है, मैं एक नहीं हूं, मेरे साथ अल्लाह की कुव्वत है, ये यकीन है कामिल हो, ये यकीन, यकीन मिसले खलील आदिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुन आए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से बदतर है बेयकीनी, यही आपको दावत देते हैं, झपटना पलटना फिर झपटना, इसी में लज्जत जिंदगी है, इसी में लज्जत जिंदगी है, हुए हरीरी कौमों के जवाल का पेश नीमा है, खतरों में खतरों का मुकाबला करने का हौसला पैदा ना, और आफियत कोशी से इज्तनाब तरक्की जिसे कुरवतुल उस्का है, गर्व सुखन सख्ती और सख्त कोशिश ऐन हयात है, जिसका जिसके बगैर जिंदगी मौत है, मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना एक मोमिन का फलसफा हयात है, इकबाल के नजदीक इसी का नाम जिहाद है, इसी जिहाद के सिलसिले में ये कहना जरूरी है कि इकबाल का मुंतहा सिर्फ मादी कुव्वत नहीं बल्कि रूहानी कुव्वत भी है, मादी कुव्वत ही नहीं रूहानी कुव्वत भी है, जिहाद के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मुअस्सिर इल्लल्लाह, ला ग़ालिब इल्लल्लाह, आप फजर की नमाज से पहले फजर की नमाज के बाद पढ़िए, आप में खुद इतनी ताजगी और कुव्वत रूहानी कुव्वत जी आप करके फिर मैदान में अमल में निकल जाते हैं, तो आपको हौसला खुद ब खुद मिलता है, अल्लाह की हाजिर नाजिर अब वाकया कई मरतबा सुन सकते, गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक दुश्मन के करीब आने से जो आपको फितरी तौर पर एक खौफ सा महसूस हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गमगीन न हो अल्लाह की माहियत हमारे साथ, हुज़्न न हो अल्लाह की माहियत हमारे साथ, इसी जिहाद के सिलसिले में कहना जरूरी है कि इकबाल का मुंतहा सिर्फ मादी कुव्वत नहीं बल्कि रूहानी कुव्वत भी है, मादी कुव्वत के कौन कायल है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, वो सब लोग हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, मादी कुव्वत के साथ साथ रूहानी कुव्वत, इंशाल्लाह ये जमा हो जाएगी तो फिर फतेह ही फतेह हमारे सामने है, जिहाद के बाद खुदी जिहाद के बाद और क्या करना है तैयारी के लिए नौजवानों को, खुदी की तरबियत के तीन मरहले हैं, एक है इताअत, अल्लाह की अल्लाह के रसूल की इताअत, अपने उस्ताद की इताअत, और जब्त नफ्स, बुरे कामों से अपने आप को बचाना, जब्त नफ्स, नफ्स पे कंट्रोल करो, और तीसरी चीज नियाबत इलाही, अल्लाह के नायब बंदे बनाकर भेजे गए, खलीफतुल्लाह के नर्स बनाकर भेजे गए, कोई मामूली मुकाम नहीं है तुम्हारा, सारे इंसानों का, सारे इंसानों का, हमको चाहिए कि औरों को भी बताएं वो नियाबत इलाही का क्या काम, हम खुद नहीं समझे तो दूसरों को समझाएंगे क्या, आप वो सुन दे वो खजूर तकसीम होते ना छुआरे लूट के कहते क्या, क्यों एक शादी में सवाल दूसरे की तमन्ना में रहता है, तीसरे की तमन्ना में रहता है, जो मजान बोलो में तो, लेकिन उसमें क्या पया मिलता है, उसमें यही पया मिलता है कि नियाबत इलाही का जो तीसरी आयत पढ़ी जाती है ना सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत पढ़ी जाती है, खुतबे में तीन आयतें पढ़ते हैं कुरान मजीद की, जिसमें एक आयत है जिसमें ये नियाबत इलाही का जिक्र अब मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, उसमें मौजूद है नियाबत इलाही, इकबाल एक आदिल और मुअस्सिर हुकूमत के लिए ईमान और इश्क को जरूरी समझते हैं, ईमान और इश्क, ईमान और इश्क दो चीजें अगर हमारे अंदर आ जाए तो क्या है इकबाल का मशहूर शेर सब आप पढ़ते हैं, विलायत बादशाही इल्म अशिया की जहां की, ये सब क्या है, फकत एक ईमान की, फकत एक नुक्ता ईमान की तफसीर है,
जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से। दरबार को सबसे बड़ी शिकायत इस तर्ज हुकूमत से है कि इसमें काबिलियत नहीं बल्कि मकबूलियत मेयार है। किसमें? जमहूरियत। काबिलियत जनरली, एक्सेप्शन कोई दूसरे होंगे, लेकिन यूजुअली क्या होता है अक्सर यही है कि मकबूलियत तो रहती है उनको लेकिन काबिलियत नहीं रहती मसाइल को हल करने की। इस पर इकबाल का दूसरा एतराज ये है जमहूरियत में कि जमहूरियत की ग्रोह बंदी और फिरका परस्ती को तकवीत देती है। इतनी सही बात है, देखिए इकबाल आज से 100 साल पहले कह रहे हैं ग्रोह बंदी और फिरका परस्ती। फिरका परस्ती शिया सुन्नी महदवी वो सब आ गए उसको, और अगर बाहर रखे गए तो दूसरे इंसानों को भी शामिल कर सकते हैं। जमहूरियत की ग्रोह बंदी और फिरका परस्ती को तकवीत देती है। मजलिस मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर, यही है ना मेयार। इंसानियत मेयार नहीं है ना, कौमियत के नाम पर गले काट रहे ना अपने जैसे इंसानों के। मजलिस मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर। दरबार नेशनलिज्म के हर इस तस्वर के शदीद मुखालिफ है जिसका मेयार वतन हो। यहां वतन के लिए जो बातें की जा रही है ना, और CAA करना है, ये करना है, वो करना है, सब इसके खिलाफ है। अखबार भी खिलाफ है, इस्लाम भी खिलाफ है, अकवाम जहां में है रिखावत तो इसी से। अकवाम जहां में है रिखावत तो इसी से, तस्खीर के मफकूद तजारत है तो इसी से। अकवाम में मखलूक खुदा बनती है इसी से, कौमियत इस्लाम की जड़ कड़ती है तो इसी से। तो ये अशार और भी बहुत सारे हैं लेकिन वक्त कम है हो रहा है। तो नतीजा जो है, आप जमहूरियत का तसव्वुर जो इकबाल के नजदीक है उसको समझने की जरूरत है, और साथ साथ हमारी बखा के लिए और हमारे कामयाब दीन और दुनिया के लिए कुरान को अपना रहनुमा बनाए, मौलाना रूम को अपना रहनुमा बनाए, अखबार को अपना रहनुमा बनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमें शामिल हाल होगी। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा एक 2-3 मिनट बैठे, अहम ऐलान ये तो ये है कि सवाल फरमाते थे अहम, इससे पहले आपको मालूम है कि हर साल आज आखिर 9 साल से अमल हो रहा है इसके। प्रोफेसर मसूद जो है जानते हैं आपको, वो एक मुआजरे पे उर्दू में तकरीर करते हैं और वो किए उर्दू है और वो है हफ्ते के, और आपको तो मालूम है कि हफ्ते के दुनिया पर भी प्रोग्राम होता है, लेकिन ये है कि वो बहुत ही मालूमती होता है और उनकी तैयारी देखने से काबिल रहती है। जो अल्लाह तक तशरीफ भी आए हैं वो ये तय करके आए हैं कि यहाँ की के बाद या तो नमाज यहाँ पढ़े या उर्दू हॉल में पढ़े, और हफ्ते के दिन तो आपको मालूम है अभी अखबार में भी आ जाएगा। आज ही उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते के दिन में लेक्चर दे रहा हूँ, आज आने वाले भी जरूर होंगे। दूसरी बात जो करना था वो ये है कि आप हजरा बहुत डिस्टर्ब हुए थे ये हालात की वजह से, ये जो चला पेमोनियम जिसे कहते हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आइंदा हमारे माफी में आप शिरकत करें और आप इसे इस्तेमाल करें। अब अंदर लगाइए कि हमारे घर जो लोग आते हैं बैनुल अमन शोर किया है, और उनसे इस्तेमाल करना, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, और खसूस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नौजवानों के साथ हैं। देखिए नौजवान तो आजकल न स्कूल जा रहे हैं न कॉलेज जा रहे हैं, कभी नियम घरों में बैठे हुए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए उन हमारी तहजीब हमारा तमाम इससे बातें करने दीजिए कि हम कैसे रखते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के ख्याल होते हैं।
और जब किया पर उनको तो शायद दस तौर पर अब आज की तकलीफ ऐसे ऐसे बातें कही गई कि बदलों की थोड़ी उसके ऊपर सब्जी तकलीफ करना थोड़ी है तो बच्चा को जो जर्मन फिलोसोफर का नाम भी है शायद लाटे का है तो वो कहता है डांटे को जो है मजदूर फर्क नहीं करता है फर्क जो है यूरोप के अगर वो था वो मजदूर फर्क की जमाने में तो अखबार उसको समझाता हूँ खाने को दिया जाए अरे अखबार की टक्कर जो है ऐसे लोगों से हुई है तो अपने आप को पसंद भी कर सकते लेकिन गलत नशरियात से होगी फिर उसके अलावा जैसे आपने सुना उनका वहाँ हमारे जो कुछ था वो आज हमारे भोगे हमारे फर्ज साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको कवर किया है आप बना रही हैं कि जब तकरीर कभी होती है तो दो दो तीन घंटे रात का जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्निंग मिड नाइट ऑयल कहते हैं रात को चार तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि तकरीर जो है आपकी रात को उसका दो तीन घंटे तो मौसम आपकी तो मशहूर है आप उन्हें इसके लिए मौका दिए मैं बहुत ही आपको दो नंबर प्रोग्राम बंद इसलिए आठवा नवा साल और गैर मामूली अहम होता है और प्रोफेसर मसूद आने का वादा किए थे शायद के दिन आए तो आए बात हो गया है कोशिश कर रहा हूँ उसके नाम मालूम करने की